आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया, टेक ही साथी टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे, सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है, टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल, टेक ही साधन टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय, कर ले जाके चेक सबका मालिक टेक, कर ले जाके चेक सबका मालिक टेक। हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है आश्री और आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक, योर गो टू पॉडकास्ट फॉर एवरीथिंग टेक एंड गैजेट्स। और लास्ट वीक ना बढ़िया बढ़िया अनाउंसमेंट्स हो गई हैं, जिसका एक्चुअली हम काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे। आईफोन 15 सीरीज आने वाली है यार, मतलब अगले हफ्ते हम उसी के बारे में बात करेंगे। सितंबर 12th है उसका लॉन्च डेट। और पिक्सल 8 सीरीज भी आने वाली है अक्टूबर 4th को। तो क्या एक्साइटमेंट हो रहा है, किसके लिए तुम लोग ज्यादा वेट कर रहे हो एक्चुअली, आईफोन 15 सीरीज या पिक्सल 8 सीरीज? देखो एक्साइटमेंट है, कल की जवान आ रही है। और मानस, व्हाट अबाउट यू? मैं इन दोनों में से तो आई एम मोर एक्साइटेड फॉर दी आईफोन्स। पिक्सल का एक तो पहली बात तो देखो पता नहीं है इंडिया, मेरे तो इतने साल मैंने देख लिए हैं। ये क्या रूमर्स उठ रहे हैं कि पिक्सल 8 आ रहा है नहीं आ रहा है? ये रूमर्स उठेंगे ना, हमेशा ही उठेंगे, बिकॉज गोइंग बाय द पास्ट रिकॉर्ड, क्योंकि कभी कर देते हैं लॉन्च, कभी नहीं करते हैं लॉन्च, बीच में 2-3 साल तो करा ही नहीं था, फिर सडनली लास्ट ईयर आ गए। 4-5-6 नहीं आया था, 4-5-6 नहीं आया था, और 7 आ गया एकदम से। तो 7 के टाइम में पता नहीं था कि आएगा नहीं आएगा, एकदम से अचानक से। तो ऑब्वियसली रूमर्स तो रहेंगे कि मतलब 8 आ रहा है नहीं आ रहा है, कि अभी भी उन्होंने जो इन्वाइट्स हैं वो बाहर की मीडिया को ही भेजे हैं। आई डोंट थिंक, मेरे को तो नहीं पता किसी के पास इंडिया में आया हो, और अभी तक कोई इंडिया में ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है कि इंडिया में लॉन्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम अज्यूम ये करके चल रहे हैं क्योंकि भाई लास्ट ईयर किए हैं और अब 4 फोन्स करें बैक टू बैक, 6 से 7, 7 प्रो 7 है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि 8 प्रो भी करेंगे, बट कोई भरोसा नहीं ना करें। अगर लॉन्च करेंगे, उनका पर्पस प्रोडक्ट सेल करना नहीं है इंडिया में, उनको यहाँ से कोई रेवेन्यू या सेल्स नहीं चाहिए। वो अगर लॉन्च करते हैं इंडिया में तो इसलिए करते हैं कि कर देते हैं क्या जा रहा है हमारा, ठीक है, और अगर वो नहीं लॉन्च करते हैं तो वो भी यही सोचे करेंगे कि नहीं करते हैं क्या जा रहा है हमारा, ठीक है। तो उसका पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, और ज़्यादा कुछ मैं चेंजेस भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है इस बार पिक्सल 8 प्रो में। सो माई ऑब्वियसली मोर एक्साइटेड फॉर द आईफोन 15 सीरीज, बिकॉज वहाँ पर चेंजेस होने वाले हैं, बहुत मैसिव अपग्रेड्स, एटलीस्ट फॉर द प्रो मॉडल्स। इट्स नॉट, अगेन आई विल नॉट से इट्स अ मैसिव अपग्रेड, द थिंग इज दैट आईफोन दीज आर मैसिव, बिकॉज एप्पल ने हमारी एक्सपेक्टेशंस का बार इतना लो सेट कर दिया है, वो हर साल छोटी मोटी चीजें कर कर आके, कि अगर हल्का फुल्का भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता मैं लगता हूँ वो बहुत बदल गया, कि ऐसा बहुत कुछ नहीं बदलने वाला। ऐड करोगे क्या? और ये भी तो देखो ना, इतनी सारी चीजें ऑलरेडी आईफोन 15 में, मैं बात करता हूँ चलो स्टैंडर्ड मॉडल से ही मैं शुरू करता हूँ, वहां पर तो बहुत स्कोप है। वहां पर तो आपका, आपने डायनामिक आइलैंड लास्ट ईयर ऐड नहीं किया था, ठीक है, आपने वहां पर जो है 60Hz रिफ्रेश रेट चल रही है अभी तक, ठीक है, वहां पर आपका कैमरा भी 12 मेगापिक्सल ही चल रहा है, वहां पर आपने रेजोल्यूशन भी नहीं बढ़ाया था उसके बाद में, वहां पर अभी भी 2 ही कैमराज मिलते हैं आपको, तीसरे का ऑप्शन ही नहीं देके रखा हुआ, तो वहां पर बैटरी का अभी भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि छोटी ही बैटरी रहती है, तो उसमें तो बहुत सारा। और उसमें तो लास्ट ईयर एक और कांड किया ना उन्होंने, जो चिपसेट है वो भी चेंज नहीं करा, वो भी A15 ही कर दिया, A16 नहीं दिया जो प्रो मॉडल्स के अंदर आया था। तो जो स्टैंडर्ड मॉडल है उसमें तो बहुत कुछ स्कोप है, जो अमन का क्वेश्चन था कि और क्या बदल देंगे, सब कुछ बदल सकते हैं भाई, सब कुछ को, डिजाइन भी तो सेम ही चल रहा है इस बार, तो डिजाइन भी सेम ही चल रहा है, वो 12, 13, 14 वाला एक ही डिजाइन चल रहा है, तो यहाँ पर स्कोप तो बहुत कुछ, अगर चेंज करने आए तो काफी कुछ चेंज कर सकते हैं, इतना करेंगे नहीं, लेकिन बड़ा चेंज वही होगा ऑब्वियसली टाइप सी चार्जिंग पोर्ट जिसकी बात चल रही है प्रो में, सारे चेंजेस आ रहे हैं प्रो में। नहीं, इसमें भी टाइप सी करना पड़ेगा तो 15 में भी करना पड़ेगा। देखो टाइप सी है, डायनामिक आइलैंड है, बेजल्स स्लिम कर दिए हैं, कैमरा भी अपग्रेड होगा, चेंज हो जाएगा, पेरिस्कोप लेंस ऐड हो जाएगा, 15 के अंदर भी कैमरा अपग्रेड होगा, लेकिन करेंगे क्या वो 14 प्रो वाला जो कैमरा था वो डाल नहीं, रूमर पहले था कि 48 मेगापिक्सल 14 प्रो का उठाएंगे, बट अब बोल रहे कि ये ऑल टुगेदर न्यू 48 सेंसर, सेंसर डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन ये रूमर है ना, गोइंग बाय व्हाट दे यूजुअली पास्ट रिकॉर्ड, दे आर मोस्ट लाइकली प्रो का पुराने वाला नए स्टैंडर्ड में आ जाता है। हाँ, जो प्रो का मेन कैमरा जो होता है वो आपका स्टैंडर्ड के अंदर आया था, तो रूमर्स अपनी जगह है, लेकिन जो लॉजिकल एक कनेक्टिंग द डॉट्स हो तो यही बनता है कि भाई वो कर देंगे। तो इसके बारे में ना हम लोग नेक्स्ट वीक बात करेंगे, डिवाइसेस भी होपफुली आ ही जाएंगे। तो हाँ, डिवाइसेस कहाँ है मानस? डिवाइसेस आप लोगों से बहुत दूर रखे जाएंगे। कोसो दूर एकदम मानसी के गांव पे या तिजोरी के अंदर, हो सकता है मुझसे भी दूर रखे जाए, कोई भरोसा नहीं है इस बात का। खैर वो तो देखा जाएगा। और क्या क्या चल रहा है हफ्ता
अब शुरू हो गया हमारा ये वाला हफ्ता। देखो इधर क्या चल रहा है, इधर तो जवान चल रही है। कल मैं जा रहा हूँ भाई ऑफिस के बाद। क्या बात है, बहुत मेरा सेट है एकदम जवान। तो जवानी जीऊंगा मैं कल। जो लोग सुन रहे होंगे पॉडकास्ट, ये बहुत बड़ा कीड़ा है पिक्चरों का ये, इसको एक्चुअली। और हर पॉडकास्ट में मूवीज की बात, डिवाइसेस तो छोड़ो, मूवीज के बारे में तो हम बात करते ही करते हैं। दो चीजें मुझे बड़ी पसंद है, डिवाइसेस और मूवीज। दैट इज ट्रू। एक जवान चल रही है, एक इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप की टीम आ गई है इंडिया की, वो चल रहा है। टिकट नहीं मिल रही लोगों को, सोल्ड आउट हो गई है। इधर गौतम गंभीर का देखा था वो सीन, गौतम गंभीर का बड़ा काट गया यार। गौतम गंभीर पर जितनी एक रिटायर्ड प्लेयर के लिए बहुत ज्यादा अटेंशन मिलती है यार इसको, अपने आप पता नहीं कहाँ से सीख करता है इतनी अटेंशन। ये जितनी अटेंशन इसको उस वक्त मिलनी चाहिए थी तब नहीं मिली, तभी तो अभी ले रहा है ना, तब जो बच गया कोटा पूरा कर रहा है। बहुत भरा पड़ा यार वो, उसने एक तो चलो वीडियो तो लोगों ने देखी देखी, ठीक है। एक जो इंसिडेंट बहुत लोगों ने मिस कर दिया, जो मैच चल रहा था इंडिया पाकिस्तान का, तो उसमें एक पुराना एशिया कप का मैच दिखाया था जिसमें गौतम गंभीर ने 80-90 रन कुछ बनाए थे, उसने और धोनी ने 60 रन कुछ की पार्टनरशिप हुई थी इनकी, लेकिन लास्ट में हरभजन सिंह ने छक्का मार के मैच जिताया था, ठीक है। हाँ। उसके हाइलाइट्स चला रहे थे और उससे पूछा कि मतलब आप उसके मैच के बारे में बताओ, आपने इतनी बढ़िया इनिंग्स खेली, आप मरता मैच थे। कहता है मैच मैंने थोड़ी जिताया। मैच तो जिता ना जो लास्ट में छक्का मारता है। यार ऐसा थोड़ी होता है, ये उसकी भड़ास थी जो धोनी ने 2011 का जो छक्का चलता है ना, जो ही स्कोर्ड 90 समथिंग इन दैट फाइनल, बट एवरीबॉडी सेज धोनी ने वर्ल्ड कप जिता दिया, धोनी ने वर्ल्ड कप जिता दिया छक्का मार के। तो उसने वहाँ पे वो वाली भड़ास भी निकाल दी जो बहुत लोगों ने मिस कर दी ये चीज़। वो वी केप्ट ऑन टॉकिंग अबाउट दैट कि मैच तो हरभजन ने जिताया, लास्ट बॉल पर जो रन बनाता है वो तो जिताता है, जो 50 मारता है वो थोड़ी जिताता है मैच। तो वो भी चल रहा है गौतम गंभीर आजकल, ये सब मेरे ऊपर से निकल चुका है। आई हैव नो आइडिया व्हाट यू गाइस आर टॉकिंग अबाउट। तो कुछ टेक की बातें कर लेते हैं, आ जाओ वापस। हाँ जी, वापस से आ जाते हैं। तो हमारी एक्चुअली जो आज बिग टेक स्टोरी है ना, वो यूट्यूब के ऊपर है, जो हमारा डेली का ब्रेड एंड बटर है। एग्जैक्टली, जिसके ऊपर हम लोग कंटेंट काफी टाइम से क्रिएट कर। इनफैक्ट यूट्यूब वीडियोस तुम लोग कब से बना रहे हो? मैं तो बना रहा हूँ भाई 5 साल हो गए अब तो मुझे बनाते बनाते। एंड मानस? मेरा मतलब यूट्यूब पे जा तो रहा है 6-7 साल से काम, लेकिन मैं आई वोंट से दैट बिकॉज इनिशियली दैट वीडियो दैट आई वाज मेकिंग, मैं यूट्यूब के लिए नहीं बना रहा था। आई वाज डूइंग इट फॉर टीवी और फॉर अदर प्लेटफॉर्म्स, बट दे वर Going on YouTube simultaneously. तो करीब 4-5 साल तो मुझे भी अब डेडिकेटेडली थोड़ा बहुत उसमें, कभी कभी होता है, कभी बोल देते थे कि YouTube के लिए कुछ अलग से कर दो या ऐसा कुछ कर दो, तो वो ऑर्गेनिकली हुआ है। तो मेरे लिए टाइम डालना बड़ा मुश्किल है उसके लिए, कब पूरा फुल हार्टेडली YouTube पे शिफ्ट हो गए। मेरे को भी 3 साल तो हो ही गए YouTube के लिए स्पेशली प्रॉपर YouTube के लिए कॉन्टेंट हाँ बनाने का। तो इसी पे एक्चुअली आज चर्चा है, चर्चा होने वाली है हमारी, यही हमारी आज की बिग टेक स्टोरी है। तो स्टोरी ये है कि YouTube ना अब थोड़ा प्रॉब्लम में आ गए, दे आर लाइक कि भाई हाँ कश्मकश में आ गए कि हमारा अब होगा क्या, क्योंकि YouTube शॉर्ट्स जब लॉन्च हुए थे तो इसलिए भी लॉन्च हुए थे क्योंकि सबसे पहले तो अगर हम एकदम बैक जाएं पीछे लॉकडाउन डेज में जब TikTok था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए लॉन्च हुए थे कि TikTok बैन हो गया था, और कोई रीजन नहीं है इसका। हाँ यही रीजन, पहले तो Instagram लेके आया था, पहले तो TikTok बैन हुआ, फिर रील्स आए, फिर जल्दी से पहले TikTok बैन हुआ, फिर 50 फर्जी इंडियन प्लेटफॉर्म मैं नाम ले रहा किसी का, जिन्होंने क्रिएटर्स को पैसे दिए कि आप जैसे TikTok बनाते थे आप आओ, आपको हम देंगे 10,000 रुपए देंगे, आप महीने के 6 बना दो या हफ्ते के 6 बना दो, ऐसा जो भी है, विच वर फ्रॉम व्हाट द कन्वर्सेशन दैट आई हैड विद दीस क्रिएटर्स, बहुत कम पैसा था एज कम्पेयर टू व्हाट TikTok वाज पेइंग। और उसमें यह था कि आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, काम बहुत मांग रहे थे कि इतने वीडियो बनाओ उतने बनाओ, एंड देन पेमेंट डिलेड हो रहे थे, वो सब चीजें थी। फिर जब ये 50 फर्जी प्लेटफॉर्म आ गए और जब इनका थोड़ा हल्ला मशर लग गया, तो इंस्टाग्राम ने बोला कि भाई ऐसे कैसे कैसे हम इतना बड़ा कैसे मार्केट छोड़ दे हम, तो वो रील्स लेकर आए। साथ साथ थोड़े टाइम के अंदर यूट्यूब ने बोला कि वी विल ऑल्सो, सो यूट्यूब बोलता बाप बाप होता है। और उसके बाद से ना शॉर्ट फॉर्म वीडियोज इतना ज्यादा वायरल हो गया, मतलब सब लोग का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लॉकडाउन में तो बढ़ ही गया था शॉर्ट फॉर्म वीडियो, जो स्क्रोलिंग टाइम इतना बढ़ गया था, डूम स्क्रोलिंग सब कर ही रहे हैं, रील्स देख रहे हैं तो देख ही रहे हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हैं तो देख ही रहे हैं। अब इतना ज़्यादा देख रहे हैं कि यूट्यूब खुद ही यूट्यूब शॉर्ट से परेशान हो गया है। दे आर लाइक कि अब उनका, पहले मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए बता देती हूँ, तो लास्ट 3 quarters से ना यूट्यूब की जो रेवेन्यू है वो ड्रॉप हो गई है, तो कुछ 2.6% ईयर ऑन ईयर ड्रॉप हुआ है लास्ट 3 quarters से बैक टू बैक।
अब इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि YouTube शॉर्ट्स नॉर्मल वीडियोस से ज्यादा चल रहे हैं, इवन क्रिएटर्स भी यूट्यूब शॉर्ट्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं. ऑफ कोर्स इवन दो नॉर्मल कन्वेंशनल वीडियोस पे ना यूट्यूब ज्यादा एड रेवेन्यू देता है कुछ अराउंड 55% क्योंकि हाँ जो कि हमेशा चलता है, ठीक है, लेकिन यूट्यूब शॉर्ट्स पे 45% शेयर मिलता है, तो 10% कम मिलता है, बट फिर भी अभी फिलहाल यूट्यूब शॉर्ट्स ही सबसे ज्यादा चल रहे हैं. इनफैक्ट अगर हम लास्ट का कुछ डेटा देखें तो लास्ट ईयर 80% ज्यादा क्रिएटर्स ने यूट्यूब शॉर्ट्स डाले थे एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल वीडियोज. तो बेसिकली यूट्यूब शॉर्ट्स ना नॉर्मल वीडियोस का मार्केट खा रहा है और यूट्यूब को इसलिए इतनी दिक्कत हो रही है क्योंकि भाई उनका पैसा कम आ रहा है. एग्जैक्टली उनका बिजनेस में इश्यूज आ रहे हैं, उनको लॉसेस हो रहे हैं एंड दे आर लाइक कि अब क्या करें. तो उनको समझ में नहीं आ रहा है बेसिकली, वो बीच में फंस गए, उनने एक नया प्रोडक्ट बना दिया. अब वो प्रोडक्ट डीमन वाली लाइन बोली थी, एक बढ़िया क्या लाइन बोली थी, डीमन वाली एक लाइन, अच्छा कि दे हैव क्रिएटेड डीमन दैट दे कांट कंट्रोल एनीमोर. या तो उनको ना ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब किस, अब वो दो नाव में वो था ना पैर रख के, अब जब चलोगे तो डूबोगे तो हुई. अच्छा इन्होंने लॉन्च तो करा ही करा YouTube Shorts, इन्होंने एक चीज़ और ये शुरू कर दी थी बीच में एज अ वो जो इनका एक थोड़ा सा ब्रांड का वो पुश करना होता है ना, कोई एक मार्केटिंग को चला के या कोई धक्का मारने के लिए, दे स्टार्टेड प्रमोटिंग दिस कॉन्सेप्ट कि भाई हम ना YouTube पे आपको कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म नहीं दे रहे, हम दे रहे हैं आपको एक एज अ पैकेज तीनों फॉर्म्स, तो आप ना तीनों में कॉन्टेंट बनाओ, तीनों में कॉन्टेंट देखो. नाउ दैट इज कमिंग बैक टू होन देम कि आपने एक सेपरेट प्लेटफॉर्म नहीं लॉन्च करा, आपने उसी ऐप में जहाँ पे लोग लॉन्ग फॉर्म वीडियोस देखते थे आपने उसी में आपने क्रिएट कर दिया, अलग से क्रिएट कर दिया. अब वो इतना ज्यादा चल गया है, लोग वही कंज्यूम कर रहे हैं, ऑब्वियसली फॉर क्रिएटर्स आल्सो इट्स इजियर. 10% हम कम ले लेंगे, पर पैसे की बात नहीं, मेहनत, हाँ मेहनत कम है ना, वही तो कम ले लेंगे ना. 10 मिनट का एक वीडियो बना रहा था जितने टाइम में, उससे आधे टाइम में शायद वो 3 मिनट के 3 वीडियो बना देगा, वीडियो भी 3 हो जाएंगे शायद उस पर, क्योंकि यूट्यूब खुद पंप कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, उस पर शायद व्यूज भी ज्यादा आ जाएंगे, ब्रांड डील भी आ जाएगी और एफर्ट भी कम लगेगा, टाइम भी कम लगेगा, रिसोर्सेज भी कम लगेंगे एक्चुअली. और इसके अलावा ना क्रिएटर साइड के अलावा व्यूअर्स का भी प्रेफरेंस एक्चुअली बहुत बदल गया है. वो तो है ही, व्यूअर का तो यार टाइम ही नहीं है, तो हो जाता है ना. व्यूअर का तो ये भी है ना कि व्यूअर को आप जो दोगे, जो खिलाते जाओगे उसके हिसाब से टेस्ट अक्वायर हो जाता है ना. जैसे अगर आप बचपन से यार आपने करेला खाया, टिंडे खाया, तो आपको अक्वायर हो जाएगा. मैंने नहीं खाया कभी बचपन में, तो मैं आज नहीं खा सकता, ठीक है. मैंने कभी बचपन से करेला नहीं खाया, टिंडा नहीं खाया, मेरे को खिलाता मैं नहीं खा पाता, लेकिन जिसने खाया है आश्री को बड़ा पसंद है करेला, एक्चुअली मैं बोलने वाली थी, इसका टेस्ट एक्वायर हो गया है तो ये खा सकती है. अब जिस आप शॉर्ट्स देते रहो कंज्यूम कराते रहो, और अगर देखते रहोगे सही बात सामने दिखेंगे, स्नैकेबल है, छोटा फॉर्म ऑफ कंटेंट है, इजीली आप कंज्यूम कर सकते हो, एक बार आदत पड़ गई तो अब लोग देख रहे हैं बैठ के आराम से. इससे एक्चुअली ना एक और ये फायदा हुआ है क्रिएटर्स के लिए, फायदा हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली टाइम कम लगता है शॉर्ट फॉर्म वीडियोस बनाने का, तो जो ब्रांड डील्स है ना वो भी ब्रांड्स भी प्रेफर कर रही हैं कि स्पॉन्सर्ड कंटेंट भी यूट्यूब शॉर्ट्स पे ज्यादा वो लोग फोकस करें एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल वीडियोस. हाँ 10 मिनट के वीडियो के लिए मैं आपसे 10 लाख मांगूंगा, 1 मिनट की वीडियो चल 50,000-60,000 लाख में मांगूंगा यार. मेहनत भी तो कम है, वही तो सबसे मेन चीज आ जाती है मेहनत, टाइम कितना बच रहा है, इन्वेस्टमेंट भी कम है, इन्वेस्टमेंट भी कम है, टाइम बच रहा है और प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट वही है यार. हाँ हाँ बिल्कुल वही है. आप ज्यादा ज्यादा वीडियो शो आउट कर सकते हो. वीडियो के लिए अगर मैं 1 लाख ना लेके मैं 1 मिनट की वीडियो के लिए 40,000 ले लूंगा. एक इसका रीजन ये भी है ना कि स्मार्टफोन पेनिट्रेशन इतना बढ़ गया है, जो आज से जब यूट्यूब पहले आया था तो इतना स्मार्टफोन पेनिट्रेशन नहीं था, और जब था भी तो लोगों के पास डेटा नहीं होता उतना, हिसाब लिमिटेड डेटा है, स्पीड्स की प्रॉब्लम होती थी. अब ये सब चीजें फिक्स हो गई हैं, अब सबके पास स्मार्टफोन है, मतलब सबके पास मेजॉरिटी कनेक्शन है, टावर्स पहुंच गए हैं हर जगह, हाई स्पीड इंटरनेट मोस्ट जगह मिल रहा है, तो आप अब लैपटॉप खोलने की कष्ट नहीं करते उतना ना यूट्यूब के लिए. वो एक्साइटमेंट रही नहीं ना जो एक रहती थी पहले कि घर जाके यूट्यूब देखेंगे तसल्ली से, क्योंकि स्पीड नहीं होती फोन पे यार. इवन स्मार्ट टीवी पे आई डोंट नो कितने लोग बैठ के यूट्यूब कंज्यूम कर रहे हैं, देर कंज्यूम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स लाइक ओटीटी कंटेंट फॉर श्योर, बट यूट्यूब कितने लोग रेगुलरली कंटेंट कर रहे हैं आई डोंट नो, फोन पे हो रहा है इसका मतलब. और ये जो शॉर्ट्स है ऑब्वियसली जो फोन फर्स्ट अपील है इसका, वर्टिकल फॉर्मेट है, उस फोन के हिसाब से जाता है लेआउट के हिसाब से, तो उस वजह से भी जो है लोग यार बहुत आराम से इसको ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं. कई लोगों ने इनफैक्ट जब तक शॉर्ट्स नहीं आया था, अगर आपको पता हो पहले 4 साल पहले कुछ मान लो, बिकॉज यूट्यूब इंडिया में इतना एक्सप्लोड हो गया था और हर जगह हो गया था, कई लोगों ने ना फुल लेंथ वीडियोस जो होते हैं ये 5-5 मिनट के 10-10 मिनट के वीडियोस, ये भी वर्टिकल फॉर्मेट में करने शुरू कर देते हैं, बिकॉज दे वर टारगेटिंग मोबाइल यूजर्स.
कि 10 मिनट का वीडियो मैं वर्टिकल में शूट करूंगा, जब आप उसको डेस्कटॉप पे देखोगे तो उसके साइड में ब्लैक बार्स हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, फोन पे आपको एकदम आपकी स्क्रीन से फिट टू साइज मिलेगा. सो दे स्टार्टेड डूइंग दैट आल्सो फॉर फुल लेंथ वीडियोस एंड देन ऑब्वियसली शॉर्ट्स केम, तो उसके बाद गेम ही चेंज हो गया. बट अगर तुम लोगों को अगर मैं पूछूं व्हाट विल बी योर प्रेफरेंस एज अ क्रिएटर इंडिविजुअली, यूट्यूब शॉर्ट्स या नॉर्मल कन्वेंशनल वीडियोस? फुल फॉर्म वीडियोस फॉर मी एनी डे ऑल डे. मी टू. एंड यही दिस इज द फर्स्ट साइन जो मैं मन को सुन कर रहा था, हम बड़े हो रहे हैं. जब आप नई चीजें आती है, नई फॉर्मेट आते हैं और आप उसको अडॉप्ट करने में अगर थोड़ा टाइम लगाना शुरू करते हैं, इसका मतलब है कि आप बड़े हो रहे हो. देयर इज सम एज गैप व्हिच इज कमिंग. अगर आप हमारे से पुरानी जनरेशन से पूछोगे, वो बोलेंगे यार ये क्या यूट्यूब ये क्या करते हैं, ये सब टाइम वेस्ट है, है ना. वैसे ही हम लोग को लग रहा है यार ये शॉर्ट्स क्या, कहानी सुनानी है तो मैं तो पूरी सुनाऊंगा ना यार 10 मिनट में. सही बात है, जनरेशनल गैप तो आ गया. देखो जो अटेंशन स्पैन है जो यंगस्टर्स का आज की रेट में, वो तो भाई रहा नहीं उनका, उनको जल्दी ऐसे फट फट चाहिए. यार मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, अगेन थोड़ा टॉपिक सेट के. फुटबॉल में मैचेस कितने देर के होते हैं? 90 मिनट्स के होते हैं. डू यू नो इन प्रीमियर लीग, इन इंग्लिश प्रीमियर लीग, उस 90 मिनट्स में से एवरेज प्ले टाइम कितना होता है जिसमें कि बॉल एक्चुअली खेली? बिकॉज फुटबॉल में जब बॉल बाहर भी आती है ना तो टाइम रुकता नहीं है, ठीक है. एक्चुअल प्ले टाइम कितना है, एवरेज प्ले टाइम कितना है? इट्स अबाउट 57-58 मिनट्स. ओके, ठीक है, मतलब एक घंटा भी मैच नहीं खेला जा रहा है, फुटबॉल का मैच नहीं खेला जा रहा है, ठीक है. नाउ देर आर रिपोर्ट्स और देर इज सम सर्वे एंड थ्योरीज आर गोइंग अराउंड सेइंग दैट द करंट जनरेशन जो है उसको ये बहुत लंबा लग रहा है. तो दे आर थिंकिंग कि क्या सुनने में लंबा लग रहा है, क्या इन मैचेस को छोटा कर, मतलब जो 90 मिनट के, जैसे क्रिकेट में हो गया ना 50 ओवर से T20 पे आ गए, अरे वैसे भाई 90 मिनट की जगह 60 मिनट के मैच कर दे. मैं 60 मिनट का मैच क्या बकवास है यार, ये ऑलरेडी 90 मिनट्स इज नथिंग. लाइक इफ यू थिंक ऑफ इट, डेढ़ घंटा, दो हाफ होते हैं 45-45 मिनट के, कुछ भी नहीं है 45 मिनट का एक्शन. कई बार ऐसा होता है एक प्लेयर 45 मिनट 6 या 7 बार बॉल टच कर पाता है, ठीक है, सही बात है, अरे बोल ही नहीं कर पाते हो. पर जनरेशन का वही इतना गैप ही कम हो गया है. मैं उस दिन आई वाज लिसनिंग टू सम रिटायर्ड फुटबॉलर जो बता रहा था कि मेरा बेटा जो है वो कम्युनिटी शील्ड का फाइनल था देख रहा था, 50 मिनट के ऊपर नहीं देख पाया, बंद कर दिया. बट ही इज अ फुटबॉल फैन, ही सपोज टू बी अ फुटबॉल फैन, मतलब जो उसका बेटा है इज अ वेरी बिग फुटबॉल फैन, वो फॉलो करता है सब कुछ करता है, वो भी नहीं देख पा रहा 50 मिनट से ऊपर का. तो अटेंशन स्पैन ही अब लोगों का यार इतना कम हो गया है सडनली, तो वो एक डिफरेंस तो आ ही गया है समवेयर. मैं पर्सनली आई प्रेफर शॉर्ट फॉर्म वीडियोस एनी डे. बट एक चीज जरूर है, ऑडियंस वाइज अगर हम देखा जाए तो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस ना, जो ऑडियंस आपको जानती और अच्छे से पहचानती है, आप और डिटेल में इन डेप्थ में बातें बताते हो, उसमें ऑडियंस कनेक्शन ज़्यादा बिल्ट होता है एज कम्पेयर टू जो ये फ्लीटिंग आपको सक्सेस मिलती है यूट्यूब शॉर्ट्स में या रील्स में. देखो कोई चीज़ आप जानना चाहते हो, इन डेप्थ जानना चाहते हो, तो वो चीज़ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कभी भी फुलफिल कर ही नहीं पाएगी. जैसे मुझे देखना पसंद है मोर देन रीडिंग, राइट, दैट इज़ व्हाई आई लव, आई वुड रादर प्रेफर वॉचिंग अ हैरी पॉटर ऑन द स्क्रीन देन रीडिंग अ बुक. सिमिलर टू वही यूट्यूब कंटेंट, ठीक है, मुझे कोई भी फ़ोन के बारे में जानना है मैं जाके रिव्यू देख लूँगा उसका, ठीक है, बट मैं वो वेबसाइट पे ना पढ़ूँ क्योंकि मुझे वो चीज़ नहीं करनी है. वो चीज़ जो एक डेप्थ इन डेप्थ नॉलेज मिलती है, आई डोंट थिंक सो दैट वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कैन एवर. इनफैक्ट यूट्यूब के एक टीम मेंबर ने ही ये बात बोली, बुक वाली बात, कि वॉचिंग अ फुल फ्लेज्ड कन्वेंशनल वीडियो यूट्यूब वीडियो रिक्वायर्स टाइम एंड इट्स लाइक रीडिंग अ बुक. वही एग्जाम्पल दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको टाइम उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, 10 मिनट 15 मिनट वॉट एवर, और अटेंशन फुल अच्छे से यहाँ पे ऐसे फ़ोन रख के या लैपटॉप में ऐसे रख के देखना पड़ता है. वर्टिकल वीडियोस तो ऐसे ही स्क्रोल हो जाते हैं. सही बात है. सो बेसिकली नाउ व्हाट डू यू गाइस थिंक इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ यूट्यूब, मतलब आपको ये भी सुनना पड़ेगा, एक टाइम स्पैन होता है, हर 15-20 साल में चेंज तो देखो आता ही आता है ना. हम बात करते हैं और कुछ खत्म हो गया ना, तो YouTube को अपनी आइडेंटिटी थोड़ी सी रीडिस्कवर करनी पड़ेगी. एक तरह से देखो इसको, दो तरह देखने के, एक तरह से हम इसको क्राइसिस भी देख सकते हैं, एक वी कैन ऑल्सो लुक एट इट पॉजिटिवली कि यार दे हैव ऑल्सो सॉर्ट ऑफ रीशेप्ड देमसेल्व्स. उन्होंने शायद मे बी आइडेंटिफाई कर लिया है कि भाई स्पैन शॉर्ट हो रहा है और मे बी ये लॉन्ग फॉर्म जो है मैं बहुत लंबे समय तक फायदा ना दे, तो उन्होंने वो शॉर्ट्स वाले मार्केट के अंदर भी टैप कर लिया है. अब हाउ डू दे फाइंड द बैलेंस बिटवीन द टू, क्या वो दोनों प्रोडक्ट्स को एक साथ लेके चलना चाहते हैं, किसी एक को ज्यादा,
ऑडियंस के लिए ना दो ऐप डाउनलोड करना, यूट्यूब म्यूजिक ऐप ले आए थे लोग यार, कितने लोग यूज करते हैं, सब जिसमें चलाना है इसी पे चला लेता है, अलग से बहुत कम। और तू तू एक्सेप्शन, यूट्यूब म्यूजिक तो एक्चुअली अब पॉपुलर हो गया, हो रहा है बट फिर भी उतना लाइक इफ यू गो मासेस के पास अभी नहीं पहुंचा ना यार वो। प्लस जो उसमें अब फीचर्स आने लग गए एक्चुअली, हाई बिटरेट भी अब यूट्यूब म्यूजिक चला लेता है, तो इट्स नॉट जस्ट कि ठीक है YouTube Music has some value, but YouTube भी डालेगा, YouTube Music भी डालेगा, YouTube Shorts भी डालेगा, अच्छा फिर आएंगे YouTube Podcast आएंगे, उसमें होगा क्या ना कि दोनों का नुकसान हो जाएगा, ऑडियंस डिवाइड हो जाएगी दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। अभी तो वही आइडिया ना, नया शेयर, नया नई शुरुआत होगी। हाँ, 50,000 लोग इधर, 50,000 लोग इधर, अब ये नया फिर से एक तरह से यू नो बिग बैंग थ्योरी फिर से क्रिएट हो रहा है। सीओ तुम एक आध तो बिजनेस बंद करा ही दोगे। मैं ये सोच रही हूँ अभी 60 सेकंड्स पे आ गए, और कुछ सालों बाद क्या होगा, 10 सेकंड का कंटेंट बन रहा है भाई, बस एक चुटकी में थंबनेल डाल दो, बहुत कंटेंट वांटेड नहीं चाहिए, थंबनेल आ गया अब बहुत शक्ल दिखा दो और हो गया काम, इस बारे में बस खत्म। वही तो क्रिकेट में वही तो चल रहा है ना आजकल की, थोड़े टाइम में क्या होगा, टॉस हो जाएगा बस, सवाल सी हो रहे हैं, किसी के पास अटेंशन है ही नहीं देने के लिए, अटेंशन लोगों की समझ में आ रहा है। चलाओ जी, खैर ये तो पता चलेगा आगे जाके, आने वाले में भी कुछ सालों बाद हम लोग ऐसी बात करेंगे कि यूट्यूब कहाँ पहुंच गया और यूट्यूब शॉर्ट्स का भी क्या होगा, और ऐसे यूट्यूब ऐसे इसको बिजनेस को ऐसे सक्सेसफुल भी कैसे बनाएगा बेसिकली। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की ओर, विच इज आर डिवाइसेस। तो क्या क्या नई डिवाइसेस हैं हमारे पास आज? सबसे पहले अगर मेरी बात करो तो iQOO Z7 Pro है, और तुम्हारे पास इसी का भाई बोले बहन बोले भाई Vivo, बोलो Vivo V29e, और मानस के पास ऑफकोर्स द बेस्ट ऑफ द लॉट क्लासिक गैलेक्सी वॉच 6 क्लासिक। yes. तो पहले आप अपने भाई के साथ, पहले हमारे भाई के साथ, हाँ, महंगे से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। V29e, हाँ जी। yes. okay. तो Vivo V29e का स्टार्टिंग प्राइस है 26,999, 8GB 128GB इसका है, और टॉप मॉडल जाता है 28,999 फॉर 8GB 256GB मॉडल। तो जो मुझे इसका एक्चुअली सबसे बड़ा USP लगा वो है इसका डिज़ाइन। एक तो इतना पतला स्लिम लाइट वेट फ़ोन है, कर्व्ड एजेस हैं, तो इट्स लाइक वेरी एर्गोनॉमिक टू यूज़। मतलब जब मैंने एक्चुअली फर्स्ट टाइम आई यूज्ड लेस, इनफैक्ट तुमने ज़्यादा यूज़ किया था, तो मेरे पास जितने भी ब्रीफ टाइम के लिए था, मेरे को डिज़ाइन सबसे बेस्ट लगा एक्चुअली। हाँ. बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मुझे इसका डिस्प्ले अच्छा लगा, काफ़ी विविड है, 6.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले है। HDR10 नहीं है सपोर्ट, लेकिन बाकी सब अच्छा है, मतलब विविड है, कलर्स अच्छा है, मल्टी मीडिया व्यूइंग एक्सपीरियंस इज ऑल्सो गुड। लेकिन जो सबसे बड़ी कमी है वो है परफॉर्मेंस में। डिजाइन वाइज Vivo V सीरीज तो एनीवे अच्छी करती है, मैंने Vivo तो खैर सारी फोन माने। हाँ, V27 Pro भी इट वाज अ गुड लुकिंग फोन, लेकिन ये Vivo T10 भी बहुत अच्छा था, T2 व्हाटएवर नाम भी क्या रखा है। एनीवे मतलब जो परफॉर्मेंस, 695 Snapdragon प्रोसेसर है इसमें, डे टू डे टास्क तो कर लेता है हैंडल, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा लंबा गेमिंग करोगे कॉल ऑफ ड्यूटी, मोटा मोटा 30,000 रुपए के लिए नहीं बनाए हैं आप। कैमरा इज गुड, मतलब बैक कैमरा इज डिसेंट, सेल्फी कैमरा इज गुड, मतलब Vivo एक्चुअली सेल्फी कैमरा भी बहुत ज्यादा फोकस करता है। मुझे नहीं अच्छा लगा उतना, मुझे ठीक लगा, मतलब वहाँ पे भी वही वो प्रोसेसर का ही खेल है, क्योंकि मेन तो ट्यूनिंग वहीं से आती है ना, ISP का तो खेल वहीं है, सिग्नल प्रोसेसर, पर गुड लाइटिंग कंडीशंस में डिसेंट फोटोज आ जाती है। महंगा यार, महंगा लगा तुम्हें? हाँ, मुझे तो धोखा हुआ डिजाइन के साथ, डिजाइन अच्छा, बहुत अच्छा, पर उन्होंने बोला था आर्टिस्टिक रेड, मैं ले गया पहले दिन ही धूप में, मैं अब लाल होएगा कहाँ लाल होएगा, बाद में मुझे पता लगा कि हल्का से टिंट आने थे, सटल शेड्स ऑफ रेड थे, और वही था उसका। मतलब कितने का लॉन्च हुआ? 29,999, 26,999 को तो अंडरकट, 4,000 कम होता तो 22,999 होता तो थोड़ा सेंस होता, वो तो 20,000 वो तेरे बोलने से नहीं होता। अरे ये तो iQOO Z7 प्रैक्टिकल मांग, नॉट C3 लाइट, बट चीज ऐसी मांग जो मिल सके ना, ऐसी एकदम ही। तो खैर ओवरऑल मोटा मोटा यही है कि इसको अगर डिस्काउंट में लेना है 22 तक तो इट स्टिल वर्थ मनी, बट डिजाइन अगर डिजाइन ज्यादा डिजाइन अच्छा लो के नैंड फील वगैरह चाहिए तो 22,000 में ठीक है, अदरवाइज सेंस अदरवाइज नहीं है। सेंस क्या बनता है 22,000 में लेने का?
हाँ आईक्यू Z7 Pro यस उसी की बात बताओ। हाँ इसकी भी USP है भाई डिजाइन, जैसे तुमने बोला इसकी भी USP है डिस्प्ले जो कि बहुत ही बेहतरीन है। इसमें HDR10 मिलता है बाय द वे। ओके हाँ प्लेबैक के लिए। बट इसकी परफॉर्मेंस अच्छी। इसकी भी USP है कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी। अच्छा उसकी USP नहीं थी। USP नहीं है ना। तो परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है यार आईक्यू Z7 Pro। यार मेरे हिसाब से 25,000 के नीचे 20, अभी मैं ऑलरेडी दो बंदों को ये सजेस्ट कर चुका हूँ, एक बंदे ने खरीद भी लिया है मेरे सजेशन पे। फाइनली आईक्यू का नाम सुन के लोग हक्का बक्का नहीं हुए। हाँ एक्चुअली माई ब्रदर वॉन्टेड, माई कज़न, उसने बोला कि नॉट C3 लाइट ना ले लूँ। मैं देख अगर तुझे लेना है ठीक फ़ोन है बढ़िया कोई दिक्कत नहीं, वन प्लस का है, बट तुम्हें अगर जेन्युइनली 25,000 तक में परफॉर्मेंस चाहिए अच्छी तो Z7 Pro की तरफ आप जाओ। यार सब कुछ है, क्या आपको चाहिए उसमें? आपको स्लीक डिजाइन चाहिए मिल रहा है, कर्व डिस्प्ले चाहिए मिल रहा है, ग्लास बैक चाहिए मिल रहा है, गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी है, दिखता अच्छा है। ओ, क्या बढ़िया फ्लैश लाइट डाली हो महंगे फोन की तरफ। हाँ, हाँ, देखा मैंने, ब्लू लगून कलर इतना अच्छा है ठीक है। और अच्छा, नाम ब्लू लगून है। ब्लू लगून है कलर का नाम, वो एकदम ड्रिंक की तरह, वो जो क्या कॉकटेल बोलते हैं, मॉकटेल बोलते जो भी होता है। हाँ तो सब कुछ उन्होंने ओवरऑल पैकेज बना के दिया है आपको बढ़िया, हर एक फीचर जो आप चाहते हो। कैमरा बोलेंगे, बोलने को दो कैमरा है पीछे, बट वो एक कैमरा मतलब सारा आपका बढ़िया एकदम काम निकाल के दे देता है। अच्छे कलर्स आते हैं डे और नाइट, बहुत बैलेंस्ड परफॉर्मेंस है, सेल्फीज अच्छी। एक कमी अगर मैं फिर भी निकालूंगा, ये वीवो को काम करने की जरूरत है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें पता है वीवो आईक्यू सब कुछ तो फ्रंट वीडियो रिकॉर्डिंग आई थिंक सो ने आज भी इम्प्रूव करने की जरूरत है, दे आर जस्ट नॉट लिसनिंग। हाँ और ये ना अक्रॉस द बोर्ड प्रॉब्लम है, X90 Pro की भी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। दे नीड टू इम्प्रूव द फ्रंट फेसिंग वीडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी, दैट इज वन। एंड अगर यार ये तो एक नेटपिक हो गया, क्योंकि एक्चुअली उसका सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर बहुत लाउड है, क्रिस्प अच्छा है, बट अगर यार डुअल डाल देते ना तो यार ये फोन ना। स्टार्टिंग प्राइस क्या है इसका? तो अभी तो वो चल रहा है इसका 22 समथिंग कुछ 21999 22,000 और 23,000 अभी चल रहा है, जो अभी इंट्रोडक्टरी प्राइस है, इंट्रोडक्टरी प्राइस, अदरवाइज 23,999। हाँ otherwise 24,000 25,000 which is still good, quite good ठीक है, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर आप एक बेहतरीन फोन ढूंढ रहे हो 25,000 के नीचे, 20,000 से 25,000 के बीच में, Z7 Pro से बेहतरीन डील आज की रेट में एक कंप्लीट पैकेज नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। बाकी आप बताओ भाई, क्लासिक गैलेक्सी वॉच 6 क्लासिक सैमसंग की लास्ट मंथ लॉन्च हुई थी, उस टाइम पे सारा टेंशन फोल्डेबल फोन्स ले गए, फोल्ड 5, फ्लिप 5, बढ़िया भी हुई थी लॉन्च साथ में। इसकी प्राइस जो है स्टार्टिंग नॉर्मल वाईफाई वेरिएंट की 41,000 है, 40,999, जो सेलुलर वेरिएंट है दैट इज 43,999, 44,000 रुपीज। दो वेरिएंट्स है 43mm 47mm साइज जो है डायल वाइज। प्रोज एंड कॉन्स के पॉइंट से बताता हूँ, सबसे अच्छी चीज़ें क्या लगी। प्रीमियम है, सुपर प्रीमियम, टॉप ऑफ द लाइन, एकदम टॉप नॉच क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है, लुक एंड फील, इन हैंड फील, सब कुछ बहुत बढ़िया। यू नो आपने कुछ पहना है, आपको पता आपने कुछ महंगा पहना हुआ है ठीक है, पैसे बेजल इज बैक। तो इनके वॉचेस के अंदर क्या होता है, एक वो बेजल देते हैं जिसको रोटेट करके आप सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। लास्ट ईयर वॉच 5 प्रो के साथ उसको वर्चुअल कर दिया था, फिजिकल बेजल नहीं था, वो फिजिकल बेजल वापस आ गया है, बैकलैश आया, जिसका एक रीजन ये भी है कि थोड़ा सा डिजाइन, मेरा जो इसमें टेक है कि डिजाइन अप्रोच ही कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। बिकॉज वॉच जो सैमसंग की आती थी वॉच 3 वॉच 4 काफ़ी सटल प्रोफेशनल लुक होता था, एकदम जो एक वर्किंग क्लास के लिए आप एक्सपेक्ट करते हो ना कॉर्पोरेट्स, उनके हिसाब से वॉच 5 प्रो के साथ दे वेंट थोड़ा सा टुवर्ड्स द फिटनेस एंथुजियास्ट्स, इन द सेंस कि जो एथलीट्स हैं या जो फिर एथलीट्स ना भी हो बट हमारे जैसे लोग जो जिमिंग बहुत करते हैं, रनिंग बहुत करते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में बहुत इन्वॉल्व हैं, उनकी उस तरफ थोड़ा सा ये लोग चले गए थे। मे बी बिकॉज शायद उनको पता हो कि वॉच 8 अल्ट्रा एप्पल लेके आने वाला है इस तरह का कुछ, तो इसलिए। But now they have come back to their origins or their basic, which is again the working class वाला जो आपका segment होता है, ठीक है? And I like that approach because वो स्पोर्टी लुक के लिए यार किसी को लेना है तो वो सैमसंग क्यों लेगा, गार्मिन ले लेगा, फलाना ढिमका बाय द वे वो बिक रही है 5 प्रो बिकेगी तो, बट वो इसलिए नहीं बिक रही कि वो उसका स्पोर्टी लुक है, वो अपने बाकी जो उसका कोर एसेंस है उसके लिए बड़ी बैटरी एंड एवरीथिंग। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट फीचर्स ऑब्वियसली सारे लोडेड हैं, जो भी आपको चाहिए, स्टेप काउंटिंग, स्लीप ट्रैकिंग काफ़ी इनडेप्थ है, ब्लड ऑक्सीजन लेवल, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, ऑल ऑफ दैट इज देयर। दो चीज़ें नहीं है, ECG और ब्लड प्रेशर, जो कि इंडिया के बाहर दिया हुआ है, इंडिया के अंदर ये नहीं दे रहे फॉर सम रीजन। वॉच 5 प्रो में था शायद, वॉच 5 प्रो में नहीं था, मतलब फीचर्स थे बट इंडिया में अगेन दे वर नॉट वर्किंग। तो ये प्रॉब्लमैटिक, वैसे तो कोई
दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लमेटिक इसलिए हो जाता है कि अगर आप 50,000 रुपये पे कर रहे हो एक वॉच के लिए, तो फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि सब कुछ ही मिले। तो बस एक वो चीज़ है। इसके अलावा डिस्प्ले अगेन जो सैमसंग बनाता है एकदम टॉप नॉच डिस्प्ले, वाइब्रेंट है, मतलब सबसे ब्राइटेस्ट डिस्प्ले है ना स्मार्ट वॉच डिस्प्ले अब तो, सब जगह यूज करने के लिए बढ़िया है, स्नैपी है, फास्ट है, सॉफ्टवेयर वगैरह इज ऑल्सो वेरी गुड। बैटरी इज गोना बी एन इशू, बिकॉज बैटरी का क्या है कि एनी वे देखो प्रीमियम स्मार्ट वॉचेस मैंने नहीं देखी कोई 2 दिन खिंच जाए, बहुत रेयरली होता है, ठीक है 1.5 डेज मैक्स जाती है, चाहे एप्पल वॉच की बात कर लो सीरीज 8 सीरीज 7, उससे पहले सैमसंग की जो पुरानी वॉचेस थी जितनी मैंने यूज करी है। इसमें ऑन पेपर 30 आवर्स क्लेम कर रहे हैं, हमें जो मिला है 25-26 घंटे मिला है एट स्ट्रेच, जिसमें ईसिम भी लगा हुआ है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, अडैप्टिव ब्राइटनेस है, नोटिफिकेशन वगैरह भी आ रहे हैं। 25-26 अगर अभी है तो हो सकता है 5-6 महीने के बाद यार और कम हो जाए, 21-22 घंटे आ जाए। नो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम बिकॉज एंड ऑलरेडी इट्स अ प्रॉब्लम बिकॉज 25 घंटे का मतलब आपको रोज चार्ज करनी पड़ेगी। अगर मैंने आज सुबह 10 बजे पहन के निकला हूँ तो कल सुबह मैं ऑफिस बिना चार्ज करे पहन के आने का रिस्क नहीं ले सकता, बंद हो जाएगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो रोज तो दैट इज अ प्रॉब्लम, ओवरऑल इट्स अ गुड वॉच। अच्छा एक चीज अगर मैं और नेटपिक करूंगी, वॉच 5 प्रो के कंपैरिजन में कोई ऐसा बहुत अपग्रेड नहीं है, जस्ट द डिजाइन हैज बीन चेंज्ड बट फीचर वाइज इट्स मोर ऑर लेस द सेम वॉच। तो अगर किसी के पास वॉच 5 प्रो ऑलरेडी है या अगर अभी और कम हो जाता है उसका प्राइस राइज, तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको स्पेसिफिकली डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सटल वॉच चाहिए ना, विच इज मोर प्रीमियम एंड व्हिच लुक्स लाइक अ वॉच, व्हिच लुक्स लाइक ट्रेडिशनल टाइमपीस। हाँ एक चीज सॉरी, हाँ जो मैं एक चीज करता, एक और प्रॉब्लम है वो ये है कि इवन दो थोड़ा सा ट्रेडिशनल डिजाइन की तरफ चले गए, इट्स स्टिल थिकर एंड हेवियर देन द वॉच 5 प्रो। हाँ बिल्कुल, छोटी बैटरी है। मेरे को वॉच 5 प्रो लास्ट ईयर बड़ी और थिक लगी थी, बहुत मतलब बहुत बड़ी लगी थी, बहुत थिक लगी थी, हेवी लगी, ये उससे भी ज्यादा हो गई है, जबकि बैटरी भी छोटी है, डिजाइन एस्थेटिक्स भी चेंज कर दिए, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद स्लिमर और लाइटर भी हो जाए। का खेल है इवन देन, मतलब यू हैव टू फैक्टर इन कि वो उस ऑफिस में यार 250 ग्राम का रोज हाथ में पहन के जाओ प्रॉब्लम तो है ही, ढाई सनी पाजी की लगती चल सकता है, मेरे हाथ में तो फिट ही नहीं, वो क्लासिक फिट नहीं होगी, है ना। सो बस यही है, बट अदरवाइज यार अगेन इफ यू थिंक ऑफ द एंड्रॉइड इकोसिस्टम, दिस इज द बेस्ट वॉच दैट यू कैन बाय राइट नाउ, तो और कोई ऑप्शन इससे बेटर है नहीं। नाइस डिवाइसेस, तो मानस ने बताया सैमसंग गैलेक्सी वॉच 6 क्लासिक और अमन ने आईक्यूजी 7 प्रो और मैंने आईक्यूजी 7 प्रो का छोटा भाई वीवो V29e। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की ओर, व्हिच इज अब्सर्ड न्यूज। आज की न्यूज एक्चुअली काफी सही है। तो चाइना में एप्पल स्टोर में एक लेडी ने क्या किया, आईफोन 14 प्लस वो स्टोर में देख रही थी, फिर थोड़ी देर बाद जो सिक्योरिटी केबल्स लगे होते हैं ना हर फोन के, जैसे आप लेके नहीं जा सकते राइट, तो वो सिक्योरिटी केबल लाइक लिटरली च्यू कर लिया और वो केबल टूट गया और 14 प्लस अपने बैग में रख के शी वेंट निकल ली। और एप्पल स्टोर एम्प्लॉयज को कुछ पता नहीं चला तब, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि फोन गायब है, कि केबल कटी पड़ी है। फिर उन्होंने अपना सिक्योरिटी कैमरा चेक किया, उसमें वीडियो, इनफैक्ट आई सॉ द वीडियो, ब्रूटल, उसमें वो उसमें पूरा वो वीडियो दिखा रहे हैं कि लाइक शी इज लिटरली लाइक ईटिंग, वैसा ट्राइंग कि वो केबल टूट जाए। फिर ऑब्वियसली आधे घंटे बाद शी वाज कॉट, पुलिस बुलाई और उसको पकड़ा गया। आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी ने नहीं, एप्पल ने पुलिस, एप्पल पुलिस बुला लेगा। एग्जैक्टली, तो ये थी अब्सर्ड न्यूज, लाइक केबल ही खा लिया, मतलब इसमें कुछ बोलने के लिए नहीं है। मैं बताऊं, मैं पूछूं, मेरे पास सवाल है, पूछ मेरे पास ये सवाल है, एप्पल स्टोर होते चाइना में? अब सब सारे बनते वही है, ठीक है, सोच समझ के बोल, आज भी वही बन के आ रहा है, मेजोरिटी आईफोन जो बन के आ रहा है सारी दुनिया में जा रहा है, ठीक है। पर मैं तो दिमाग देख रही हूँ कि सिक्योरिटी और सिक्योरिटी कैमरा नहीं आया दिमाग में, जब यही करना था कैंची ले जाती। सिक्योरिटी कैमरा तो ऑब्वियसली पता होगा कि लगा हुआ है, करनी चोरी तो कर ली, बट इतनी अब्सर्ड न्यूज है कि इसमें इसकी अब्सर्डिटी, मतलब न्यूज बता के पता चल गई है, इसमें क्या डिस्कस करें, क्या एनालाइज करें इसको, कि भाई काट के चले गए तार तो काट, मैडम ये हमारे यहाँ नहीं होता, जाना ही थी अच्छे से आराम से, हमारे यहाँ नहीं जैसे होता ट्रेन में लोटे गायब हो जाते थे, यहाँ पे आईफोन गायब हो रहे स्टोर में से। खैर ये था हमारा आज का एपिसोड, अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। अगले हफ्ते तो धूम धड़ाका एकदम बढ़िया, धूम धड़ाका आईफोन 15 सीरीज के बारे में बात करेंगे। है वॉच है, क्या बोलते हैं, और कुछ आ रहा है, एयरपॉड्स लगता देखो, है एयरपॉड्स मुश्किल है, मुझे नहीं लग रहा बहुत है ना, प्रो का तो सीन नहीं है, प्रो के तो 2 साल में लास्ट ईयर लॉन्च, वही तो अब तो 1 साल का गैप, प्रो तो 1 साल भी मतलब 2-3 साल के बाद ही देखो, प्रो नहीं आ सकता, प्रो तो आने नहीं वाला, नॉट श्योर, होना ही नहीं, क्योंकि 1 साल का गैप होता है, और नॉर्मल जो जनरेशन वाले होते हैं वो तो समर में आते हैं,
बीच में जून नहीं मार्च के अराउंड आता है, मार्च अप्रैल। तो आई एम नॉट श्योर कि ये नए एयरपोर्ट्स आई डोंट थिंक सो आर कमिंग। बोल रहे हैं कि मेन फोकस वही रहेगा आईफोन 15 लाइनअप। हाँ, आईपैड भी क्योंकि अक्टूबर में आता है अलग से, और अपडेट्स भी ये लोग बीच में ही निकालते हैं। हाँ, तो आई ये है चार फोन और कितनी घड़ियां, 3 घड़ियां, वॉच सीरीज 9, वॉच SE और अल्ट्रा। अल्ट्रा का भी क्या पता, हाँ वो 2 साल वाला रख दें, मे बी यू नेवर नो, बिकॉज़ यार ये ऐसे डिवाइसेस है नहीं जिसका आप हर साल ना एक अपग्रेड निकाल सको, और कोई मतलब नहीं निकालने का। ताबड़तोड़ है वो अल्ट्रा तो एनीवे सब कुछ माल मसाला तो है ही, बिकते हैं लंबे टाइम तक ना। ऐसे अब होम पॉड वगैरह भी है तो हर साल तो नहीं निकालते, नहीं ये बिकते। आई मैक भी हर साल नहीं निकालते, 2-3 साल में एक निकालते चलते रहते हैं। सिमिलरली आई थिंक तो मेरे को अल्ट्रा का ही मुश्किल लग रहा है, टॉप ऑफ द एकदम टॉप टियर प्रोडक्ट है, इतना जल्दी नहीं आएगा शायद। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीक बात करेंगे, बात करेंगे एकदम। अभी फिलहाल यू कैन सेंड अस फीडबैक, इस एपिसोड को लेके कोई भी सवाल हो तो radio@aajtak.com पे मेल कर सकते हैं, ट्वीट भी कर सकते हैं @aajtakradio, और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। ओके धरती चौकोर नहीं गोल है, बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो झोल है, ब्लू स्काई में समंदर का रोल है। आपको पता है कोहिनूर का क्या मोल है? मोटी किताबें मत उठाइए, गूगल भी मत चलाइए, बस आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान लगाइए। हर वेंसडे से संडे रोज लगेगी क्लास एप्पल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक, स्पॉटिफाई, जियो सावन और गूगल पॉडकास्ट पर।